अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, और इस सर्टिफिकेट के अंदर हम सीखेंगे बॉर्डर लगाना, लाइन लगानी, वर्ड की स्पेस चेक करना, वर्ड की लाइन की स्पेस कम और ज़्यादा करना, और वर्ड की सेटिंग करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस पेज को टाइप कर लीजिए, विन वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर इसको टाइप कर लीजिए। जैसे कि मैंने टाइप कर रखा है, देख सकते हैं आप लोग। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे ये हेडिंग, और हेडिंग को सेट करेंगे हम इस तरीके से। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और सेंटर में कर देंगे। इसकी साइज है वो कर देंगे हम 24 पे, और बोल्ड अंडरलाइन दोनों ही कर देंगे। अब हम इनकी साइज को बड़ा करेंगे, पूरे का सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को, और इसको साइज जो है वो हम कर देंगे 14 पे, और लाइन की स्पेस कम कर लेंगे कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। अब हमने ये चीज़ को सेट करनी है। यहाँ पे हम बैक स्पेस करेंगे, एंटर मारेंगे, और यहाँ पे ये माइनस करते जाएंगे, इतना पे 11 पे कर देंगे यहाँ पे, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए, नीचे की तरफ से ऊपर। अब हमने सबसे पहले इसको सेट करनी है, इसकी यहाँ से लेकर और यहाँ तक लाइन की स्पेस हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा, इतना कर देंगे। अब इसमें हम लाइन लगाएंगे, ये चेक करके लाइन लगा लेंगे हम, ये देख लेंगे एक बारी, यहाँ से यहाँ तक है, ये लाइन लगाएंगे हम। इंसर्ट के अंदर जाना है और शेप्स ले लेना है, ये वाला लाइन ले लेना है, और यहाँ क्लिक करके यहाँ तक शिफ्ट के साथ इस तरीके से कर लेना है। अब हम जाएंगे यहाँ पे ड्राइंग टूल में, शेप आउटलाइन में, और यहाँ पे वेट पे जाएंगे, और इसको कर देंगे 1.5 पॉइंट, और फिर यहीं पे जाएंगे वापस और डैश लाइन ले लेंगे, ये वाला लगा देंगे इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसका कॉपी करना है, यहाँ क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के मूव कर देना इस तरीके से, इसको बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। हम सेट कर लेंगे, देख के जहां जहां सेट करनी है वहां वहां हम सेट कर लेंगे। इसको टैब मार देंगे, थोड़ा सा आगे हो जाएगा, और इसकी लाइन को आगे कर लेंगे थोड़ा सा, इतना पे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हल्का सा। यहाँ से अगर आपसे छोटा नहीं हो रहा है तो फॉर्मेट में जाइए, यहाँ चले जाइए, यहाँ पे सीधे 10 लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए, ये देखिए 10 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। यहाँ 10.5 लिख दीजिए, इतना हो गया, इतना पे आप सेट कर सकते हैं आराम से, इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। इसको भी यहाँ से उठाइए और कंट्रोल के साथ इसको मूव कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, और यहाँ पे साइज जो है यहाँ पे कम कर लीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए, ज़्यादा हो गया, 3 लिखिए, इतना पे थोड़ा सा आगे कर लीजिए, यहाँ से इस तरीके से आप सेट कर लीजिए इसको। इसका कॉपी उठाइए, यहाँ लगा दीजिए। आप लोग ये काम डॉट डॉट भी लगा सकते हो, पर डॉट डॉट लगाने का फ़ायदा नहीं है, जल्दी तो फॉर्मेट बन जाएगी लेकिन फ़ायदा नहीं है उसका। जब हम पेज को सुधारेंगे या उसमें कुछ करेक्शन करेंगे, कुछ लिखेंगे, तो क्या होगा कि टेढ़ा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगा। उससे अच्छा आप इस तरीके से लाइन लगा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन काम बढ़िया होगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी लाइन को इधर लगाएंगे हम, कंट्रोल के साथ इस तरीके से मूव कर लेंगे, देखिए हमारा इतना अच्छा बन रहा है, यहाँ तक बना दिया हम। आगे देखते हैं, इसका ही कॉपी करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, छोटा कर लेंगे इसको, फिर इसका ही कॉपी मारेंगे हम, छोटा कर लेंगे इधर से,
फिर इसका कॉपी करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको। देख सकते हैं आप लोग इतना हमने कर दिया अभी तक। अब ये देखना है ये लाइन कहाँ लगी है, ये लाइन लगाएंगे हम, ये उठाएंगे यहाँ पे, ये लगा देंगे, खींच देंगे थोड़ा सा आगे बस। अब इसमें से बड़ा जो होगा वो लगा देंगे, ये उठा लेते हैं कंट्रोल के साथ, इसको यहाँ लगा देते हैं इतना पे, और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा इतना, देखिए यहाँ तक ये हो गया। अब ये चीज़ देखेंगे और इसको सेट करेंगे, ये जो चीज़ है यहाँ टैब मारेंगे हम, यहाँ पे इतना पे कर देंगे, फिर यहाँ पे भी दो बार टैब मारेंगे यहाँ पे, ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे भी लाइन लगानी है, यहाँ से लाइन उठा लेंगे हम, जैसे मुझे ये वाली लाइन चाहिए, ये लाइन ले लेंगे यहाँ लगा देंगे। इस तरीके से आप लोग लाइन लगा लीजिएगा, इसी लाइन का कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे कंट्रोल के साथ मूव कर लीजिए नीचे की तरफ। इस तरीके से आप ये भी लाइन लगा सकते हैं, लाइन इसको आगे कर देनी है यहाँ तक, इस तरीके से बराबर कर लेनी है। देख सकते हैं आप लोग ये हमारा लाइन यहाँ तक लग चुका है। अब हम इसमें देखेंगे बोल्ड है, वर्ड जो बोल्ड है वो चेक कर लेंगे। इधर ये है वन ईयर और ये है नोट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड कर देंगे यहाँ पे, और इधर भी वन ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे, बोल्ड हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग हमारा पेज में जो है वो डॉट डॉट लाइन लग गया है, आप लोग देख लीजिए। अब हमने क्या करना है, बॉर्डर लगानी है, यहाँ चले जाइए पेज लेआउट के अंदर और यहाँ जाइए बॉर्डर में, यहाँ सबसे नीचे चले जाइए, ये वाला है बॉर्डर, ये लगा दीजिए, ओके कर दीजिए। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये नीचे जो है नीचे थोड़ा सा एंटर मारनी है, ठीक है, यहाँ पे भी एंटर मारेंगे हम, इतना पे सेट कर लेंगे इसको, यहाँ पे हम बैक स्पेस करेंगे यहाँ क्लिक करके, और इसको सेंटर में कर देंगे यहाँ पे, देखिए पूरा परफेक्ट बन चुका है। थोड़ा सा एंटर कर देंगे बस। अब देख लीजिए ये पेज हमने बना दिया है, ये पेज को देख के हमने ये पेज को तैयार कर दिया है, सेम टू सेम। इस तरीके से आप लोग भी पेज बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला पेज लेकर आएंगे। इस वीडियो में जो कुछ बताया आपको अच्छा से समझ आई हो, धन्यवाद।